नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश टेक में और एक बार फिर से। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूजिनो ओनिल के द्वारा लिखे गए प्ले लॉन्ग डेज जर्नीज इनटू नाइट के बारे में। लेकिन इस वीडियो में अभी हम फिलहाल लॉन्ग डेज जर्नीज इनटू नाइट प्ले को नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में अभी हम केवल यूजिनो ओनिल से रिलेटेड जो भी उनकी लाइफ हिस्ट्री उसके बारे में ही जल्दी जल्दी से बातें कर लेंगे। बाकी आपको इस प्ले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जो यूजिनो ओनिल था, तो इनका फुल नेम क्या था? यूजीन, इजिन नॉट इजिन, ठीक है, ई नहीं है, ई साइलेंट है, ठीक है। यूजीन गैलस्टोन ओनिल इनका फुल नेम था। उसके बाद में जो इनके फादर का नाम था जेम्स ओनिल और इलिया क्लीन इनकी मदर का नाम था, ठीक है। 16 अक्टूबर 1888 को इनका ये जन्म हुआ था। अपटाउन फैमिली एक होटल में जिसका नाम क्या था, बैरेट था, और जो कि ब्रॉडवे एट 43rd स्ट्रीट में न्यूयॉर्क में स्थित था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों को याद करके चलना पड़ेगा। ही वॉज वेरी सेंसिटिव बॉय। इसके बाद में इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिखाने वाला हूँ। सो आप लोग एक एक चीज़ को जो भी मैं पॉइंट बताता चल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझते हुए चलिए, ठीक है। और अगर आपके पास भी कोई बुक हो तो आप उससे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर और आगे इसके क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही वो बड़े हुए थे तो उनको एक स्कूल में भेजा गया था जिस स्कूल का क्या नाम था, माउंट सेंट विकेंट, ठीक है, जो कि हडसन रिवरडेल में स्थित था। वो एक कैथोलिक इंस्टीट्यूशन था। अब कैथोलिक इंस्टीट्यूशन होने की वजह से जो इनके दिमाग था बचपन से ही इनके कैथोलिक्स के ज़्यादा प्रभाव इफेक्ट पड़े थे, ठीक है। सपोज दैट कि कोई भी बच्चा हो, उसको अगर हम कोई भी मुस्लिम बच्चा हो, उसको अगर हम हिंदुओं के स्कूल में बचपन से भेज दें तो उसका जो माइंड होगा वो किसकी तरीके हो जाएगा, हिंदुओं के तरीके ही अफेक्टेड होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये भी कैथोलिक से बहुत ज़्यादा डीपली इंटरेस्टेड थे। उसके बाद में फिर ये डी ला सेल्स इंस्टीट्यूट गए, ठीक है, ऐसा डे स्कॉलर, ठीक है। उसके बाद में 1900 में इन्होंने किया, उसके बाद ये भी ज़्यादा इस स्कूल में ज़्यादा टाइम नहीं पढ़े। उसके बाद में फिर ये 1902 में ही ज्वाइन बेट्स एकेडमी। अब बेट्स एकेडमी से इन्होंने क्या ग्रेजुएशन को किया जो कि स्टामफोर्ड में थी, ठीक है। बेट्स एकेडमी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया जून 1908 को, ठीक है। उसके बाद में फिर नीचे आते हैं हम लोग और भी देखते हैं कि जो ब्रेट्स एकेडमी के दौरान इनको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी इनके कि ये बहुत ही एक तरीके के उत्साही टाइप के सरमाने वाले लड़के थे। ये अपने दोस्तों से और अपने क्लासमेट से बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते थे, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि लिखा है कि इज इन वॉज अ सॉर्ट ऑफ ड्रीमर, मतलब बहुत ज़्यादा अपने खुद में खोए रहते थे, अपने खुद के सपने देखा करते थे, ठीक है। नॉट मिक्स विद द अदर, दूसरे लड़कों के साथ में मिक्स नहीं होते थे। और ही यूज़ टू प्रेफर टू वॉक अलोन, अकेले इनको रहना, अकेले बातचीत करना पसंद था। और जो भी बचा कुचा समय होता मिलता था वो अपने टाइम को स्टडी में लगा देते थे, ठीक है। एब्जॉर्वर इन अ डीपर थॉट, और बहुत गहराई तक जा करके सोचते थे, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग, जैसे ही इन्होंने ग्रेजुएशन बेट्स एकेडमी से कंप्लीट कर लिया, बेट्स एकेडमी से तो ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने गए थे, और जैसे ही इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया उसके बाद ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन ले लिया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्टडी मतलब कि लॉ की स्टडी करने के लिए इन्होंने एडमिशन ले लिया। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि लॉ की स्टडी के लिए ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गए थे, ठीक है, जो कि फाउंडेशन ऑफ ऑल सक्सेस, पूरी सक्सेस इनको यहीं से मिलनी थी। लेकिन बाद में हुआ क्या था एक्चुअली में कि जैसे ही जितने ही सरमाने वाले लड़के थे, जितने ही अपने दोस्तों से अलग अलग रहते थे, वैसे ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जाकर के पूरे बदल चुके थे। अब ये अल्कोहल वगैरह इनकी ड्रिंक करने की आदत पड़ गई थी, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में जहाँ ये पसंद भी नहीं करते थे दोस्तों से बात करना, अब उनके चक्कर में अपना बहुत सारा टाइम को भी वेस्ट कर देते थे। अब इनके बहुत सारे गर्लफ्रेंड वगैरह भी रहने लगी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि बहुत सारी गर्ल्स की कंपनी को भी ये ज्वाइन करते थे, ठीक है। और फिर एक एक लड़की से इनको प्यार भी हो गया था जिसका नाम कैथलीन था, ठीक है। और अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर इन्होंने उससे शादी भी कर ली, जिससे कि उनसे एक बेबी भी हुआ, ठीक है। इन अगस्त 1912 में नहीं, यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि कैथलीन से इनको जो था लव हुआ, ये उनसे उनको प्यार हो गया था। तो इस वजह से जो भी इनके फादर मदर थे, ये लोग इनको मदर जो भी थे मना भी करते थे, लेकिन उनके अगेंस्ट जाकर इन्होंने 1909 में उससे मैरिज भी कर ली, और जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड तक चली। एक सन भी इनसे बॉर्न हुआ था 1910 में, ठीक है। फिर उसके बाद इनके बीच में डाइवोर्स हो गया था 1912 में। उसके बाद में बहुत सालों तक ये पीते रहे, शराब खूब पीते रहे, लेकिन 1926 में इन्होंने पूरी तरीके से अल्कोहल को छोड़ भी दिया था। अब इन्होंने 1912 में काम करना स्टार्ट
स्टार्ट किया, सबसे पहला कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले इन्होंने कौन से करियर से स्टार्ट किया, किस चीज़ से। तो इन्होंने रिपोर्टर, रिपोर्टर सबसे पहले इनका करियर था, बिगिन हिज करियर एज अ रिपोर्टर। ठीक है, इन्होंने रिपोर्टर बनकर अपने करियर की स्टार्टिंग कर दी थी द टेलीग्राफ। उसके बाद में मिडिल ऑफ अक्टूबर 1912, अब 1912 के बीच में इनके ये जो थे ये बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे नाउजिया। मतलब नाउजिया क्या होता है, नौजिया मतलब कि वो एक तरीके की ऐसी चीज़ हो जैसे कि वॉमिटिंग टाइप का महसूस करना, ठीक है, वॉमिट होना और जी मिचलाना, इस तरीके की चीज़ों से ये सफ़र बहुत ज़्यादा कर रहे थे। और साथ ही साथ में इनके ये तो थी, उसके बाद में फिर जिसकी वजह से इनको अपनी जॉब को भी छोड़ देना पड़ा था, टेलीग्राफ को भी इन्होंने छोड़ दिया था। और साथ ही साथ इनका जो नर्वस सिस्टम था, नर्वस सिस्टम आप लोग जानते होंगे, साइंस वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो भी ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से इनका काम करना बंद हो गया था। ठीक है, उसके बाद इनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो ट्यूबरकुलोसिस का क्या मतलब होता है, जैसे कि क्षय रोग हो गया था। ठीक है, क्षय रोग होने की वजह से इनको इनको सैनिटोरियम, सैनिटोरियम क्या होता है, जहाँ पर क्षय रोगों का, क्षय रोगियों का इलाज होता है, उस जगह को सैनिटोरियम भेजा जाता है। इनको सैनिटोरियम भेज दिया गया था, जो कि जिसका क्या नाम था, सैनिटोरियम जैसे कि अस्पताल टाइप का था। ठीक है, जो कि क्या था, उसका नाम क्या था, ग्रे लॉर्ड फर्म सैनिटोरियम एट विलिंगफोर्ड कनेक्टिकट। ठीक है, यहाँ पर इनको भेजा गया था सही होने करके, सही होने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये बाद में देखा गया कि जब ये सही हो गया तब फिर इनको रिलीज कर दिया गया हॉस्पिटल से 3 जून 1913, यानी कि एक साल ये तक ये सैनिटोरियम में भी पड़े रहे, एक साल नहीं तो हाँ 7-8 महीने करीब। अक्टूबर से ये सफ़र करना स्टार्ट किए थे और जून में छूट गए 1913 में, तो इतने महीनों तक ही, काफ़ी दिनों तक यहाँ पर पड़े रहे। उसके बाद में फिर नाउ ही प्लान टू कंपोज, अब जब ये बाहर निकले हॉस्पिटल से तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि चलो अब हम भाई केवल प्लेस को राइट करेंगे। ठीक है, प्लेस लिखेंगे, जो कि न्यूयॉर्क इन लंदन 1913 में इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब हम प्ले लिखा करेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उनके उन्होंने अपना फर्स्ट प्ले को भी लिखा था, फर्स्ट प्ले नहीं मतलब कि इन्होंने थर्स नाम के एक प्ले को भी लिखा था, जो कि अगस्त 1914 में पब्लिश्ड भी हो चुका था। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही केवल हम लाइन से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी बड़ी लाइफ हिस्ट्री है तो पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करना नहीं पॉसिबल है। तो उसके बाद में हाँ ये एक बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन आता है कि एक्सपेरिमेंटल थिएटर की स्थापना किसने और कब करी। तो एक्सपेरिमेंटल थिएटर की स्थापना यूजीन ओनील ने करी थी 1923 में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद करके रखिए और चाहें तो आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल थिएटर, उसके बाद में जिसके लिए इनको क्या पुलिट्ज़र प्राइज़ भी, फर्स्ट पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला था और दोबारा भी इनको पुलिट्ज़र प्राइज़ भी मिला था। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनको कौन कौन से प्राइज़ मिले थे, तो एक तो पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला था और इनको नोबल प्राइज़ भी प्लेस लिखने के लिए मिला था। ठीक है, तो दो तरीके के इनको प्राइज़ मिले थे, पुलिट्ज़र प्राइज़ और नोबल प्राइज़। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उन्होंने फिर सेकंड मैरिज करी, फर्स्ट मैरिज तो उनकी जब डिवोर्स हो गया तो इन्होंने सेकंड मैरिज करी, जो कि क्या था, एग्नेस बोल्टन के साथ में इन्होंने सेकंड मैरिज करी थी। और फिर उनके फादर जो थे 1920 में डाई हो गए थे, अक्टूबर 1919 में इन्होंने शादी करी और उनके फादर जो थे वो 1920 में उनके फादर की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों अच्छी तरीके से याद रखिए। उसके बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो इन्होंने सेकंड मैरिज करी थी उनसे भी एक इनके बेबी बॉर्न हुआ था, लेकिन उन्होंने एग्नेस बोल्टन को फिर से छोड़ दिया और फिर कार्लोटा के साथ में इन्होंने फिर से एक थर्ड मैरिज को कर लिया था, जो कि इनकी थर्ड वाइफ बनी थी जून 1929 में। ठीक है, अब उसके बाद में ये मैरिज इनकी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चली। उसके बाद में फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर कि इनको हाँ, और इन्होंने नोबल प्राइज़ को भी विन किया था, जो कि लिटरेचर 1936 में, आप देख सकते हैं कि 1936 में इन्होंने नोबल प्राइज़ को भी अवार्ड, मतलब इनको नोबल प्राइज़ भी मिला था और साथ ही साथ इनको पुलिट्ज़र प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग भी ध्यान रखिए। उसके बाद फ्रेंड्स फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इन्होंने भले ही बहुत सारे प्राइज़ को ज़रूर जीता हो, लेकिन ये पीसफुल लाइफ लेने में, मतलब आनंदपूर्वक जीवन यापन करने में बहुत ही ज़्यादा समर्थ नहीं थी। इन्होंने बहुत, मतलब इनको उतार चढ़ाव देखने पड़ते थे और ज़्यादातर इनकी तबीयत भी ख़राब रहा करती थी। फिर इनके देखिए, पहले तो इतनी सारी चीज़ें हो चुकी, ट्यूबरकुलोसिस हो चुका और जाने क्या क्या हो चुका, लेकिन फिर भी इनके हैंड ट्रीमर, ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गया। हैंड ट्रीमर क्या था, मतलब कि
उनके हाथ जो थे वो कांपा करते थे, इससे इस चीज़ से सफ़र कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद में फिर इनके साथ में और भी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसका पूरा पॉसिबल तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास ओरिजिनल बुक्स वगैरह हो तो आप उससे पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये जो भी लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके या आराम से वीडियो पॉज करके इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी बेसिक नॉलेज है केवल अभी हम वही प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप ये क्या लिखा हुआ है कि इनके इतने सारे प्लेज हैं। ठीक है, जैसे कि कभी कदार क्वेश्चन पूछ लेता है आप वाइफ और लाइफ कब पब्लिश हुई थी, तो 1913 से 1914 उनके बीच में लिखी भी गई और पब्लिश भी हो गई। ठीक है, तो ये सारे इनके प्लेज हैं, एक एक करके हम अब सबके नाम नहीं बताएंगे। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हम इसको मूव कर रहे हैं, तो आप इसको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो अब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबके बारे में जानें कि कौन सी चीज़ कब पब्लिश हुई थी और कब लिखी गई थी और किसने लिखा था। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेता है द रोप किसने लिखी, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये तो यूजीन ओनिल ने ही लिखी थी। ठीक है, उसके बाद में फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी सारी लिस्ट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर से और भी ज़्यादा इनके प्लेज प्लेज वगैरह हैं तो ये भी आप देख सकते हैं। और अगर आपके में ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तब तो आपको सारे के सारे ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, और अगर आपके में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आता है तब तो फिर आप दो चार याद भी करके काम चला सकते हैं क्योंकि आपको उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप उसके बाद में ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामिस्ट थे और इनको अमेरिकन शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता था। कभी कभार क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि अमेरिकन शेक्सपियर किसको बोला जाता है, तो ये किसको बोलते हैं, यूजीन ओनिल को अमेरिकन शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। और He's called a poet dramist. Poet dramist भी किसको बोलते हैं इनको, He's a great tragic assist. आर्टिस्ट, ठीक है, आर्टिस्ट भी इनको जानते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ और भी आप याद रखिए कि ये जो थे अमेरिका के सबसे लास्ट पोइट थे, लास्ट ग्रेट पोइट थे, इनके बाद में से भी कोई सभी एक ऐसा पोइट नहीं हुआ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा जिसने काम करके लिटरेचर के फील्ड में दिखाया हो, तो ये लास्ट अमेरिका के पोइट थे, तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिए। उसके बाद आई थिंक सो कि ये आप पूरा हो चुका है जो भी इनकी लाइफ हिस्ट्री थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लॉन्ग डेज जर्नीज इनटू नाइट के बारे में जो कि पब्लिश हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कब पब्लिश हुई थी, लॉन्ग डेज जर्नीज इनटू नाइट 1939 से 1941 के बीच में पब्लिश हुई थी और लिखी भी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम बात करेंगे लॉन्ग डेज जर्नीज इनटू नाइट के बारे में। फिलहाल हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी इनसे रिलेटेड दिखा देते हैं ताकि आप और आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ मेरे पास ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि कब बॉर्न हुए थे, तो जैसे कि पता ही कि 1888 में, सॉरी इनका जन्म 1888 में हुआ था। यहाँ पर बुक में शायद गलत छपा हुआ है कि या फिर 1888 में नहीं हुआ था, तो इनका जन्म यहाँ पर 1988 को ही हुआ था, वो वहाँ पर उस जगह पर रॉन्ग टेक्स्ट हो गया था। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले में 1888 तो नहीं था, वो 1988 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूजीन वॉज अ डैश बॉय, तो वो कौन से तरीके के लड़के थे, ईविल बॉय थे, बुरे लड़के थे, शाय शर्माने वाले लड़के थे, सेंसिटिव थे, नन ऑफ देम, तो वो एक तरीके के सेंसिटिव लड़के थे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को पुराने फिर से जा करके देख सकते हैं कि ही यूजीन वॉज अ सेंसिटिव बॉय। ठीक है, तो उसके बाद में फिर आगे बढ़ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको बताने से पहले अभी हम एक बार फिर से इसको क्लियर कर देते हैं कि जो अभी हमने बोला कि ये जो इनका जो जन्म था यहाँ पर फ्रेंड्स गलत ही लिखा हुआ है, 1988 नहीं है, ये 1888 में ही ये बॉर्न हुए थे। ठीक है, 16 अक्टूबर 1888 को ही इनका जन्म हुआ था। अब ये 1988 गलत लिखा हुआ है तो इसको आप लोग ध्यान मत दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है सबसे ऊपर कि यूजीन वॉज डीपली लव्ड बाई हिज कौन, उससे कौन, उनके दोनों थे पेरेंट्स थे, बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार मिलता था। ठीक है, यहाँ पेरेंट्स हैं, दोनों ही से प्यार मिलता था, मदर और फादर से। ठीक है, यूजीन वॉज अ कैथोलिक बिकॉज ही रिसीव्ड कैथोलिक इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उन्होंने क्या कैथोलिक इंस्टीट्यूशन से शिक्षा प्राप्त करी थी, इस वजह से उनके ज़्यादा जीवन में कैथोलिक प्रभाव पड़ा था। अब यूजीन रिसीव्ड डैश एकेडमी, तो कौन सा इन्होंने कहाँ से
एजुकेशन को प्राप्त करी, तो जैसा कि बताया गया था, बैट सेकेडमी बार बार बोल रहे थे। उसके बाद में यूजीन डिड नॉट मिक्स्ड विद अदर बॉयज, ये दूसरे लड़कों के साथ में क्या घुलते मिलते नहीं थे। अब यूजीन कम्युनिकेटेड हिज, अब बताइए तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर वो अपनी बातचीत करते थे किससे, अपने फर्म से, अपने विश्वास से बात करते थे, ठीक है। तो इस तरीके के कई एक सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, जो कि आपके पास अपनी ओरिजिनल बुक्स वगैरह होंगी तो उसमें भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या आपकी स्टेट में अलग अलग क्वेश्चन बैंक्स वगैरह आती होंगी तो उससे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए हमारे साथ में, थैंक यू।